हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। सो वंस अगेन दिस इज वीरल शाह फ्रॉम ट्रिपल आई एम, और एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है इन टू द प्रोग्राम हैशटैग आस्क ट्रिपल आई एम। एक बार फिर से एक नया क्वेश्चन लेकर फ्रॉम पारस शर्मा। पारस जी ने ये पूछा है कि ये जो इंस्पेक्शन होती है वो हम लोगों को कब करवाना होता है, क्या हम लोगों को मैन्युफैक्चरिंग के टाइम के ऊपर करवाना है, क्या उसको स्टफिंग के टाइम के ऊपर, या तो लोडिंग के टाइम के ऊपर करवाना है। सो मेरे ख्याल से आप एक्सपोर्ट के बारे में उसको पूछ रहे हैं, तो अगर मैं इंपोर्ट का भी बता दूंगा लेकिन पहले मैं एक्सपोर्ट के बारे में बात करता हूं। तो अगर हम लोग एक्सपोर्ट की बात कर रहे हैं, सो एज एन एक्सपोर्टर जब आप मैन्युफैक्चरर हो और बायर आपको बोलता है कि आपको इंस्पेक्शन करवाना होगा, तो दोनों ही तरीके से करवा सकते हो, लेकिन बायर ही स्पेसिफिकली आपको बता देगा कि आपको कब करवाना है। मैन्युफैक्चरिंग के टाइम के ऊपर अगर आपके जो बैचेस हैं, जो आपके लॉट जो आपका प्रोडक्शन हो रहे हैं, अगर अलग अलग बैचेस अलग अलग दिन के ऊपर या अलग अलग मटेरियल से, रॉ मटेरियल से, या अलग अलग टाइम के ऊपर हो रहे हैं, सो ऑब्वियसली वो जो लॉट्स हैं, वो जो बैचेस हैं, उनका हर एक बैच का आपको रिपोर्ट निकलवाना पड़ेगा। कुछ कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी होती हैं, जैसे केमिकल्स की बात करें या मेडिसिन की बात करें, तो उसके अंदर तो खास में ध्यान रखकर आपको अलग अलग बैचेस का रिपोर्ट आपके पास होना ही चाहिए, और मैन्युफैक्चरिंग के टाइम के ऊपर ही आपको ये करवाना पड़ेगा। और उसके बाद एट द टाइम ऑफ लोडिंग ऑन द ट्रक और कैरियर, या तो अगर आप बात कर रहे हैं सीधा कंटेनर के अंदर स्टफिंग करने की, अगर आपके पास डायरेक्टली कंटेनर आपकी साइड के ऊपर आ रहा है, तो स्टफिंग करवाने के टाइम के ऊपर भी आप उसका इंस्पेक्शन करवा सकते हो। नॉर्मली उससे एक या दो दिन पहले या उसी दिन सुबह में या तो अगले दिन ये इंस्पेक्शन होता है, तो आप किसी नॉमिनेटेड थर्ड पार्टी जो एजेंसीज होती हैं उनके थ्रू आप ये परफॉर्म करवा सकते हैं, एंड अकॉर्डिंगली दे विल रैंडमली दे विल चेक इट आउट द नंबर ऑफ पीसीस और यू नो नंबर ऑफ क्वांटिटी, एंड अकॉर्डिंगली दे विल इशू द रिपोर्ट। तो ये दोनों टाइम के ऊपर कर सकते हैं, लेकिन आप बायर से पूछिए कि उसको कौन सा चाहिए, और एज पर द डिपेंडेबल ऑन द प्रोडक्ट उसको मैन्युफैक्चरिंग के टाइम के ऊपर या तो लोडिंग या स्टफिंग के टाइम के ऊपर भी आपको करवाना होता है। अगर मैं इंपोर्ट की बात करूं कि अगर मुझे कोई प्रोडक्ट खरीदना है किसी कंट्री से, मुझे इंपोर्ट करवाना है, और उस टाइम के ऊपर मेरा ये थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन कब होना चाहिए, अगेन द सेम थिंग, अगर आपका प्रोडक्ट ऐसा है जो मेडिसिन है, केमिकल्स है, या ऐसा कोई प्रोडक्ट है जो मैन्युफैक्चरिंग में डिफरेंट हो सकता है एज पर द बैचेस और एज पर द लॉट अलग अलग हो सकता है, सो आई विल रिक्वेस्ट कि उसको मैन्युफैक्चरिंग के टाइम के ऊपर ही करवा लीजिए, और फिर उसको स्टफिंग के टाइम के ऊपर जब कंटेनर भर रहा है, जब कंटेनर के अंदर ये पूरा लोड किया जा रहा है, उस टाइम के ऊपर उसको इंस्पेक्ट करवाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ताकि वही प्रोडक्ट आपको मिले जो आपने डिमांड करी थी, जिसका आपने ऑर्डर दिया था, राइट। सो इट कैन बी डन ऑल द डिफरेंट टाइम्स दैट यू नीड टू डिसाइड, दैट यू नीड टू चूज कि मुझे कौन से टाइम के ऊपर करवानी है। एज पर द प्रोडक्ट इट मे डिपेंडेबल ऑन द डिफरेंट टाइम पीरियड। नॉर्मली एक ही इंस्पेक्शन सबसे ज्यादा होता है, विच इज अ थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन एट द टाइम ऑफ प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन, दैट मीन्स एट द टाइम ऑफ स्टफिंग द कंटेनर को भरने से पहले उस कार्गो का इंस्पेक्शन किया जाता है। तो अगर वो आप करवा रहे हो, तो उसके दरमियान मोस्ट ऑफ द टाइम प्रोडक्ट का पता चल जाता है, और आपका गलत एक्सपोर्ट या गलत इंपोर्ट नहीं होता है। सो यू कैन चूज, यू कैन प्रेफर टू डू दिस काइंड ऑफ इंस्पेक्शन, या आप एक्सपोर्ट कर रहे हो या अगर आप इंपोर्ट कर रहे हो, तो ये इंस्पेक्शन के ऊपर ज्यादा फोकस कर वो उसकी अगर आप डिमांड कर रहे हो या वो आप प्रोवाइड कर रहे हो, तो काफी सारा आपका सॉल्यूशन वहां पे आ जाएगा, राइट। सो होपफुली पारस जी आपको अपने क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा कि मुझे इंस्पेक्शन कौन से टाइम के ऊपर करवाना चाहिए, राइट। तो इस तरीके से आप उसके अंदर परफॉर्म कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच पारस जी, एंड थैंक यू एवरीवन, थैंक यू एवरी व्यूअर फॉर सपोर्टिंग अस अ लॉट, एंड लेट्स डू एक्सपोर्ट, लेट्स डू मैक्सिमाइज द एक्सपोर्ट एज मच एज वी कैन, एंड कंट्री का नाम रोशन करते हैं, देश का नाम रोशन करते हैं, और वो सुनहरे चिड़िया वाले दिन कंट्री के अंदर वापस लाते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, एंड विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक एवरीवन, थैंक यू।